आमीन। सवाल है हालेलुया। तो आइए, कितने लोग हैं, जब मैं पिछली बार आया था तो आपने खुदा का कलाम सुना था, कितने लोग मौजूद हैं, वो अपना हाथ खड़ा करें। किसी को याद है मैंने क्या मजमून सुनाया था? जी जी, बड़ा ध्यान में याद रखा जी। सवाल है हालेलुया। अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई, खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे। तो आइए, आज भी उसी का अगला हिस्सा है और सात कलीसिया और हर तरह के लोग ईमानदार और पादरी और बेईमानदार, जिसके पास ईमान नहीं उसके ताल्लुक से हम सीखेंगे। आइए, खुदा के कलाम में से जो हमारा मजमून है वो है अजीम चरवाहा। हालेलुया, अजीम चरवाहा। पिछली बार भी हमने चरवाहों पर सीखा, इस बार भी हम सीखेंगे। हालेलुया। तो ये उसका अगला हिस्सा है, उस वक्त टाइम नहीं था, मैंने छोड़ दिया था। आज भी अगर आप थोड़ा सा टाइम, मैं कोशिश करूंगा कि मैं 30 मिनट के अंदर अंदर आपको बात समझा दूं। आमीन। अगर कुछ रह गया तो कल समझा देंगे। आमीन। हालेलुया। परेशानी होना, मेरे को टाइम है क्योंकि कल तो देनी है। सवाल है हालेलुया। इस वजह से मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो मैं मिन्नत करके कहूंगा कल सानू गीत सुनाने नहीं, सानू आप ही बड़े गीत होने। पादरी साहब को मौका देना ज्यादा तो ज्यादा, बच्ची नाल आई है मौका देना दो गीतों का, तो पादरी साहब ने घंटा टाइम देना ताकि प्रस्तुत कर, तो करो माइंड बना के आना कि मैं कुछ लैके आना। हालेलुया। जिन्हों के मैंने वेले वेले हो गया है, सब बोले हालेलुया। आपको बरकत दे। आइए पढ़िएगा, यूहन्ना कि मार्फत लिखी हुई यीशु मसीह की अंजील, उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। जी बेटा पढ़िएगा, जी जल्दी से पढ़ दे खुदा के कलाम में से जल्दी से। हाँ जी, क्या लिखा है सुनिएगा। शादी कितने गए हो जी? फिर जब खुदा को मालूम हुआ, चौथा बाब यूहन्ना की अंजील पहली आयत से जी, फिर जब खुदा को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है हाँ जी कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शक्ति करता और बपतिस्मा देता है जी, आगे वो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे जी, आगे जी, और कुआं गहरा
यीशु मसीह ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं। हालेलुया, मैं भेड़ों का दरवाजा हूं, मैं राह हक और जिंदगी हूं। हालेलुया, ये यीशु ने कहा। ये किसने कहा? यीशु ने। ये किसने कहा? यीशु ने। ये यीशु ने कहा। सब बोले हालेलुया। भेड़ हूँ, मैं यीशु की भेड़ हूँ।
लिखी हुई लगी है ना। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु की क्या हूँ? बोलो सारे, वो मेरे लिए, 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 बोलो वो मेरे लिए जान देता है, जान देता है, जान देता है। हालेलुया, वो मेरे लिए क्या करता है? जान देता है। यीशु अजीब चल रहा है, बड़ा चल रहा है, और ऐसा चल रहा है जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। क्या देता है? जान देता है। ऐसा चल रहा जो अपनी भेड़ों के लिए क्या देता है? जान देता है। वो आया है, है यहूदी, और सामरियों के साथ किसी तरह का बर्ताव वो नहीं रखते, पर यीशु आया है। कौन आया है? उस वक्त के शरा के आलमों का, उस वक्त के लोगों का क्या रद्दे अमल था? ईमानदारों का, उनके लिए, सामरियों के लिए, बुतपरस्तों के लिए क्या रवैया था? जिनाकारों के लिए उनके उनके अंदर रवैया क्या था? शराबियों के लिए रवैया क्या था? हर तरह के गुनाह करने वाले शख्स के लिए, मर्द के लिए, औरत के लिए, हर तरह के गुनेगार शख्स के लिए उनके अंदर रवैया क्या था, सामने रखता हूं। पढ़िएगा हिस्कियल की किताब 34वां भाग, और मैं चाहता हूं कुछ किया चौथी आयत को जरा पढ़िएगा। क्या लिखा है जी? शाबाश दिन लोगों का बंडल, प्रेज द लॉर्ड, शाबाश। हिस्कियल 34वां भाग चौथी आयत, जिन्हें कटी जल्दी पढ़ दो, शाबाश। ये लिखा है तुमने कमजोरों को तवानाई, तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा। आगे क्या लिखा है? और टूटे हुओं को नहीं बांधा, वो जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाए, और गुमशुदा की तलाश नहीं की, बल्कि जबरदस्ती और सख्ती से उन पर क्या की? हुकूमत की। यीशु मसीह क्या कहता है? अजीब चरवाहा क्या कहता है? कहता है मैं भेड़ों का दरवाजा हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। हालेलुया, हालेलुया। चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या देता है? जान। तो चरवाहा की कार्य में क्या लिखा है? बटन छू कर दिया जी। क्या लिखा चौकी आए? तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा। तुमने बीमार कमजोरों को तवानाई, तवानाई का क्या मतलब है? क्या करना? क्या करना? क्या देना? क्या देना? हालेलुया, क्या देना? वाह, तुमने क्या नहीं किया? तवानाई नहीं दी। और आगे क्या लिखा है? और बीमारों को शिफा नहीं दी, और बीमारों को शिफा नहीं दी। ना तो तवानाई दी है, ना शिफा दी है, ना तवानाई दी ना शिफा दी। आगे क्या लिखा है? और टूटे हुओं को नहीं बांधा, और टूटे हुओं को नहीं बांधा, और वो जो निकाल दिए गए, वो जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाए। ये हालत इनकी थी, इनकी बुराई की वजह से इनको निकाल दिया। आज इन्हें दुआ की थी है, ढाई लफ्ज दुआ दे आगे ने, ढाई गल्ला आंदियां ने कलाम दिया, और तुझे तो नफरत करता है, और कहता चट दफा कर रहे शराबी आई।
क्या ये तालीम है? पादरी भी आएंगे ने, मुबशर भी आएंगे ने, एल्डर भी आएंगे ने, डीकन भी आएंगे, ईमानदार भी इस तरह ने, चटपटा आएंगे तो वहाँ कर, एक रात चर्च होंगे, ओपा ही, निगाह की जाके पूछ, उन्होंने तवानाई दे जाके, और तो कमजोर लोग हैं ना जोर दे, उन्होंने की कहाँ है? उसे बाहर कर जाकर बाहर करने की सूरत है। सूरत हाल क्या है? जिन्हों मानने हैं, जिन्हों आप पर चरवाहा मानने हैं, वो गुनेगार तो जाके मिल रहे हैं, वो खून देखने में रह जाके सामरिया। ये कौन सी औरत है? ये कोई अच्छी औरत है? यीशु मसीह ने मिलना चाहिए सी, इधर तो पानी पीना चाहिए सी, पर पीने है कहने मनु प्यार ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਹੂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਗਲਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰੀਓ ਸੇ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਗੁਨੇਗਾਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਨਸੇ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਤੇ। ऐसे खादम हैं, ऐसे चरवाहे हैं जो बर्ताव नहीं रखना चाहते। बाइबल की तालीम क्या है? कि बर्ताव रखना है, ऐसों को मिलना है, क्योंकि यीशु असीम चरवाहा जो है ऐसे ही लोगों को मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है, एक हवाला हम पढ़ते हैं। लूका की मार्फत लिखी हुई यीशु मसीह के जी 15वां बाब पहली आयत से जरा पढ़िएगा जी। लूका सब वसूल लेने वाले और गुनेगार उसके पास आते थे। तब वसूल लेने वाले और गुनेगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने, और फरीसी और फकीह बुड़बुड़ा कर कहने लगे। फकीह और फरीसी कहने का मतलब यह है कि गुनेगार ये सूखियां गल्ला सुनना चाहते थे, पर फकीह फरीसी ये फन खिला के बैठे थे और कहने लगे इनू बाहर कितो शराब किया है, इनू सलाम ना करना, करो नहीं मिलना भी। फकीहां फरीसियां वगैरह आदत अज भी मौजूद ने, रत्ते अमल आज भी मौजूद है कि जो गुनाह के अंदर फंसे हुए लोग हैं उन पर तरस दिखाते हैं, पर यीशु तरसना पर है। यीशु की है तरसना पर है। मेरे कहने का मतलब है सही चरवाहा वही है, यीशु मसीह का फॉलोअर वही है जड़ा गुनेगारा तो कम करता है, शराबियों तो कम करता है, जानियों तो कम करता है, बरगश्ता तो कम करता है। वो लोग जो बरगश्ता होकर वापस लेने वास्ते काम कर रहे हैं, उन्होंने वास्ते रोजा रखता है, उन्होंने वास्ते दुआ करता है, वो ईमानदार है, वो यीशु का फॉलोअर है। अगर वो काम नहीं करे तो यीशु का फॉलोअर भी नहीं। वो फकीर तो फरीसी है, तो फकीर फरीसी गद्दी तो बैठे ने, सीटा तो बैठे ने, काम कोई भी नहीं, काम कोई भी नहीं। कमीकारी मेरी भूबी, मैं क्यों है वेला गली बाती, मैं करतूती मेरी मां गली बाती, मैं करतूती मेरी मां मेरे तो पहले ही होंगी ने, करना खुद नहीं होगा। याद रखिए मेरे कहने का मतलब है मुबशर हो, एल्डर हो, पादरी हो या कलीसिया का कोई ईमानदार हो, अगर आपकी निगाह में कोई है कि यह शख्स बर्बाद हो रहा है, यह बच्ची बर्बाद हो रही है, यह बुजुर्ग बर्बाद हो रहा है, तो हर ईमानदार की यह जरूरी जो भी उसकी यह जिम्मेदारी है, हर ईमानदार की यह जिम्मेदारी है कि वो खिदमत खाना में, वो शीतगी में उसके लिए दुआ भी करे, उसको बहाल करने के लिए। तो याद रखिएगा हम वो बत्ती हैं जिसका बुझ जाना ही बेहतर है। वो लाइटें हैं
जी बलद रही है पर रोशनी टिमटमा रही है, बस कोई पता नहीं चल रहा है ये रहेगी कि नहीं रही। वो पूछना ही जरूरी है क्योंकि काम कर नहीं रही। तो कहने का मतलब है ये सिर्फ पादरी साहब की बात नहीं है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, हर ईमानदार की जरूरत है, हर ईमानदार की जरूरत है कि वो किसी की भलाई के लिए काम करे। मैं ड्राइविंग कर रहा सर, आ रहा सर, उन्होंने कोई पता नहीं मैं सुनाना है। एंड टाइम को खुदा ने मुझे पैगाम दिया तो मैं तुम सुना दी, हूं तो पता ही मैं सुनाना की है। कुछ दिन मेरे वालदा की डेथ हो गई, रिकॉर्ड डेथ हो गई, मैं वहां पे था। मुझे 3 दिन हुए हैं मैं घर वापस गया हूँ, बल्कि 2 दिन हुए हैं मैं वापस गया हूँ और आज फिर आ गया हूँ। तो दिमाग ये आपकी ठीक नहीं थी। पादरी साहब बार बार फोर्स कर रहे थे कि वो जो डेट रखी उस पर प्रोग्राम करना है। मैं नहीं मना चाह रहा था पर मैं खुदावन किया, जाती भी दुआ की थी, मैं खुदावन कोई गल मेरे पल्ले पा दी, मैं किताब को मेरे पल्ले पा दिया। हालेलुया। तो गुनेगार उसके पास आते थे ताकि यीशु की बातें सुने, गुनेगार गल्ला सुनना चाहते हैं अगर ईमानदार सुना देते। हालेलुया। जिंदगी बच सकती है। पादरी साहब बंदा बच सकता है और ईमानदार बंदा बच सकता है जे अगर असि उत्ते काम करिए। आमीन आमीन। गल समझ आ गई है करना की है, गल समझ आ गई है ना, क्या तो समझ आ गई, बंद करो गुस्सा बोले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसूह लेने वालों से मिलता है, यीशु को बातें सुनाता है, वो बातें सुनते हैं। मतलब गुनेगार के नाम सुनना चाहते हैं तो दसे से कोई दसे है, कोई सुनाने वाला हो। मैं आखिरी बात करूंगा फिर दुआ करते हैं। पास्टर पॉल यंग एजू को कितने लोग जानते हैं? पास्टर पॉल यंग एजू बायर, पता है वो कैसे तब्दील हुआ था? वो गैर मसीही था, एक बच्ची ने उन्हें बदलिया। किन्ने? उन्हें मत्ती दी अंजील का एक हिस्सा उन्हें दिता सी, तो उन्हें कैंसर सी, तो डॉक्टर कहा सी तू कुछ दिन तक मर जाएगा। एक मसीही बच्ची ने उन्हें एक हिस्सा दिता मत्ती दी अंजील का, उन्हें पढ़िया, उन्हें पहला बाप पढ़िया, दूजा पढ़िया, तीजा पढ़िया, चौथा पंजवा छेवा सतवा अठवा नौवा दसवा, उन्हें 28 बाप पढ़े। जो उन्हें पढ़े कैंसर खत्म। कैंसर तुम पता अच्छे चर्च के बच्चे किन्ने लोग इबादत करते हैं? एक टाइम च 3 लाख लोग। इतवार वाले दिन 3 इबादत होंगे ने, 9 लाख लोग उठे इबादत करते। तो बदलिया किने? एक बच्ची ने। बेटा तो कोई भी हो सकता है या किसी बदल सकता है, कोई एक बेटा हो सकता है जो बदल सकता है। हालेलुया। समझ आ गई है और दुआ करिए।